आ, नमस्ते विक्रम जी कैसे नमस्ते, हैं आप नमस्ते हरिहन जी आई एम डूइंग गुड आप कैसे हैं बस बढ़िया सर फाइनली आ, फाइनली बहुत सालों के बाद <laughs> <laughs> कोशिश के बाद सॉरी पहले वक्त नहीं दे पाया नहीं, पर... कोई नहीं आ, और आपकी हेल्थ कैसी है अभी अभी थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है पर फिर भी आई थिंक डेढ़ साल के बाद भी लॉन्ग कोविड के इतने सिम्टम्स हैं ऐसा ऐसी बीमारी है जो पता भी नहीं चलता कि बैक पेन हो रहा है बैक पेन आई में कुछ प्रॉब्लम बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं बैक पेन तो मेरे को भी अभी काफी हो रहा है जो ये है एनर्जी लेवल्स वही नहीं है जो पहले हुआ करता था hmm. तो एक एक बार हुआ आपको है ना हाँ दो बार एक्चुअली पहला बार बार पहली बार, बार तो वो डेल्टा वेव के टाइम पे बहुत ही खतरनाक था hmm. <laughs> बचना मुश्किल था किसी hmm. तरह भगवान ने सोचा कि यहाँ जरूरत नहीं है ऊपर अभी <laughs> <laughs> नीचे ज़्यादा राक्षसों को खत्म करना है। <laughs> तो पता नहीं <laughs> तो आपकी लेटेस्ट बुक दिखा दीजिए आप भी ब्रेव हार्ट ऑफ भारत ये हिंदी में पूछना चाहिए कि ये हिंदी में भी आएगी क्योंकि पहला प्रश्न यही होता है कमेंट्स में कि यार हिंदी में भी छापो इसको जी नहीं बिल्कुल हिंदी में इसका अनुवाद चल रहा है अभी ही कर रहा है और थोड़ा वक्त लगता है बहुत सारे लोग अब हिंदी में आ जाता है तो लोग पूछते हैं तेलुगू में कब आएगा फिर मराठी में कब आएगा तो मैं तो मूलतः अंग्रेज़ी में लिखता हूँ तो पर अलग अलग भाषाओं में इसका अनुवाद चल रहा है चल हिंदी रहा है। सबसे पहले शायद आ जाएगा कुछ महीनों में अरे वाह क्योंकि ये जो आपने इतिहास लिखा है इसमें आ, ये मतलब दिल्ली सेंट्रिक नहीं है इट्स अ नेशनल हिस्ट्री जी राधा दिल्ली हिस्ट्री जी तो एक तरीके से ये बहुत अच्छा आपका अटैम्प्ट है और मेरे को बहुत पसंद आई क्योंकि जो आपने इनका चुनाव किया है जो पंद्रह लोग आ, उनका इतिहास हमने कभी पढ़ा ही नहीं <laughs> जो हम वैसे हम नेशनल हीरोज़ जो पैरेलल में हैं जो हम मानते हैं उनका काफ़ी है जैसे शिवाजी महाराज हो गए या आ, लेकिन राणा प्रताप हो गए लेकिन और जो लोग हैं ये सब इनका कभी सुनने में नहीं आया इसलिए शायद आपने वो जो पॉपुलर हीरोज़ हैं वो आपने इंक्लूड uh, नहीं किया है इसमें बिल्कुल सो so, मैं पर्सनली थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग इट पर मैं इस शुरू करने से पहले जो मैं सबसे पूछ रहा हूँ आजकल कंतारा देखी क्या बिल्कुल <laughs> मैं कर्नाटका से आता हूँ <laughs> कन्नडा बोलता हूँ तो कांतारा देखे बिना कैसे हो सकता <laughs> है I was blown away, और ऋषभ शेट्टी जी ने जो परफॉर्मेंस दिया है दो लास्ट क्लाइमैक्स माय गॉड गूज बम्स इवन टॉकिंग अबाउट इट नाउ तो एक ही बार देखी दो बार <laughs> 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 दो बार देख लिया अभी ये बुक टूर चल रहा है नहीं तो तीसरी बार भी देख लेता हां <laughs> क्योंकि उस पे एक, एक हमारे एक महाशय हैं जिन्होंने कहा कि ये सुपरस्टीशियस है इसमें उसको प्रमोट किया गया है बहुत सारे महाशय हैं इस देश में <laughs> 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 उनको उनकी बातों पे ज्यादा ध्यान ना दिया जाए तो हाँ। अच्छा है जब को, कोई भी चीज सक्सेसफुल होता है तो उसकी निंदा भी करके वो खुद अपनी यू नो पब्लिसिटी भी कई लोग कर लेते हैं कॉन्ट्रेरियन हाँ का तो हां तो आई थिंक हम उनको हवा ही ना दें ऐसी बातों को तो <laughs> कांतारा में एक भूत कोला करके कॉन्सेप्ट है जो सभी गांव में देश के कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में है जी ईष्ट देवता का भी है ग्राम देवता का भी है गढ़वाल में, में भी होता है गढ़वाल में भी हिमाचल, हिमाचल ये उत्तराखंड सब यहाँ पे जो साई के साथ एक एपिसोड किया था उसमें कांतारा पे तीस मिनट तक बात अच्छा, हुई थी अच्छा, वो तो फिल्म बफ है तो।, <laughs> आ, तो उसके बारे में फिर लोगों ने एक एक करके कि मेरे गांव में ये होता है मेरे गांव में ये होता है कमेंट्स में अच्छा तो मतलब ऐसा कोई स्टेट नहीं था जहाँ पे लोगों ने बताया नहीं कि मेरे को ये कनेक्ट कर पाया मैं कि ये सब होता है तो उसी से रिलेटेड आपने इसमें एक रानी अबक्का है जो वहाँ से कर जी उल्लाल से और दक्षिण कन्नड़ा से उसी क्षेत्र से जहाँ से ये मूवी बनी है जी। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए क्योंकि मैं सभी इंटरव्यूज़ देख रहा था उनके बारे में किसी ने पूछा नहीं और उसमें भी एक कॉन्सेप्ट कि उनकी आज तक भूत आराधना के माध्यम से उनको याद किया जाता बिल्कुल। है बिल्कुल रिचुअल में मैंने, मैं देखा इंटायर अच्छा। रिचुअल जब रानी अबका को उन्होंने इन्वोक किया था और वो जो भी आ, प्रैक्टिशनर है वो ऐसा बोलता है कि वो खुद अबक का है उसका उनकी जो जो कहानी है वो सब लोगों को सुनाता है और लोगों में आज भी वो आ, वही मैं इस किताब में भी बोल रहा हूँ कि शायद जो मेन स्ट्रीम हिस्ट्री है जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है इसमें शायद हमने इन वीर वीरंगराओं को भु, भुला दिया हो पर लोक परंपराओं में और लोक ओरल नेटिवस में फोक लिटरेचर में दे आर वेरी मच अलाइव उनको वहाँ से कोई विस्थापित कर ही नहीं सकता अबक्का अब, अब उसमें हिस्टोरिकल एक्यूरेसी कितना होगा वो अलग बात है hmm. और चार अबक्का अब रानियाँ थीं जबकि हम वहाँ पे सारे लोगों को अबक्का अब देवी यु बोल के प्लूरल में कनाडा में देवी यु हो जाता है तो अबक्का अब देवी यु को इन एक साथ किया जाता है hmm. तो फॉर अ हिस्टोरियन उसको सिफ्ट करना कि ये ओरल नेरेटिव में से एक्चुअल यू नो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है पर द इम्पोर्टेंस दे होल्ड फॉर जो लोकल पॉपुलेशन के लिए वो चीज़ रेखांकित करना बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से एक आपने इसमें आ, मैं अगर कुछ एक कोट पढ़ना चाहूँ हाँ जिसमें एक आ, कश्मीर के इतिहासकार थे कल करके उन्होंने एक आ, कोट है उनका कि जो हमारा इतिहास है जो लिखने की परंपरा है और जो आज है एक तो इंडिक परंपरा जो रही है चाहे महाभारत है चाहे रामायण है जी। और बाकी हिस्ट्री भी जिस तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं कहानी कहानी के माध्यम से चार पुरुषार्थ बिल्कुल धर्म अर्थ काम और मोक्ष उनकी तरफ उनको साधने का एक प्रयास होता है बिल्कुल जो कि काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वित कथायुक्तम पुराय कथायुक्तम पुराव इतिहासम जी ये एग्जैक्टली यही है तो ये आप आज के जब इतिहास लिखते हैं तो वो हमारा जो सेंस है वो बदल गया है बदल गया है आ, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा जब आप एक ट्रेंड हिस्टोरियन हैं आप अभी हिस्टोरियन बन चुके हैं थप्पा लग चुका है <laughs> तो उस हिसाब से देखें एक उस स्ट्रीम को देखें एक ये इसको देखें किस में क्या आपको कमियां लगती हैं क्या कौन सी धारा सही लगती है या क्या हमको किस तरीके से जाना चाहिए क्या उसमें कमियां हैं या इसमें कमियाँ हैं और उनके बीच में क्या बैलेंस होना चाहिए या दोनों तरीके की धाराएं चलनी चाहिए देखिए एक समन्वय होना चाहिए इन दोनों में और जैसा आपने बहुत सही बोला कि भारत ने हमेशा हर चीज़ सिर्फ इतिहास नहीं हर चीज़ में अपना एक यूनिक एक दृष्टिकोण उसने प्रस्तुत किया है दुनिया के लिए और मानवता के लिए और इतिहास में भी वही है जो आ, आपने बोला वो कल्याण का जो श्लोक आ, तो जो आ, इतिहास है इसको कथा के रूप में और उपदेश समन्वितम hmm. ये एक मॉरल वैल्यूज़ भी समाज को देना है ये इतिहास का रोल होना चाहिए यूटिलिटी ऑफ हिस्ट्री हैज़ टू बी डाइडेक्टिक तो उसमें उपदेश मॉरल वैल्यूज़ वो भी है और उसको सिर्फ ड्राई डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फैक्ट्स नहीं कि एक के बाद ये आया इस राजा के बाद वो हुआ पर उसमें कथाएं होनी चाहिए तो हमारे जो जो इतिहास जो हम बोलते हैं पुराण हो गए रामायण और महाभारत इसमें कहानियां हैं और उन कहानियों में निहित है ऐतिहासिक सत्य तो उसको खोजना है ऐसे और हर हर चीज़ में आप देखिए सुलभ सूत्र हैं तो उसमें बोलते हैं पाइथोग्रेस थ्योरम वहां से आता है तो आ, अगर हम सुलभ सूत्र को देखें तो उसमें ए स्क्वयर इक्वल टू बी स्क्वायेयर प्लस ई स्क्वायर तो लिखा नहीं है डायरेक्टली कविता आ, के रूप में है और उन कविताओं में निहित जो हीरे मोती जड़े हैं उससे वो हमें उद्धत उसको करना है तो इतिहास का भी वही है कि कहानियाँ बहुत ही कल्हण ने भी अपने राज तरंगिनी में बहुत सारी यू नो फेंटेस्टिक स्टोरीज़ उन्होंने गढ़े हैं पर उन सब को इतिहास न लेते हुए उसमें से जो सत्य है उसका निचोड़ करना एक मॉडर्न इतिहासकार का काम होना चाहिए पर क्या हो गया है कि वेस्टर्न जो हिस्टोरियोग्राफी है वो लार्जली रंग के फिलोसफी ऑफ पॉजिटिविज़्म जो बोलते हैं इतिहास में कि हर चीज़ के लिए साक्ष्य होना चाहिए एविडेंस बेस्ड हिस्टोरियोग्राफी तो इसमें एक बहुत ही जो यू नो इंट्रेंसिक प्रॉब्लम जो है कि एक तो है सोर्सेज uh, जो हमारे स्रोत हैं दे विल बी कॉम्प्रोमाइज दे आर इनकम्प्लीट क्योंकि इतने सारे इन्वेजनज हुए हैं इतना वक्त गुजर गया है तो बहुत सारे सोर्स या तो नष्ट हो गए हैं या फिर वो इनकम्प्लीट हैं या फिर जो लिख रहा है उसके खुद के जो बायसिस हैं वो उसमें आ जाते हैं कोई राजदरबारी इतिहासकार अगर कोई लिख रहा है तो अपने राजा का बढ़ चढ़ के अतिशोक्ति करते हुए उसका बहुत ही महिमामंडन करके वो लिखेगा तो वो अगर आज का कोई आदमी पढ़ पढ़ रहा है आज का इतिहासकार उसको एक्सेस कर रहा है तो वो बायसेस को अपने मन में उसको रखना चाहिए तो एक तो सोर्सेज कम विद देयर बायसेस और अपना जो इनकम्प्लीटनेस है अपूर्णता के साथ ही वो आएंगी उसके बाद जो आज का इतिहासकार है उसको देखने वाला उसके खुद के बायसेज हैं मेरे कुछ विचार हो सकते हैं मेरे कुछ आइडियोलॉजी हो सकता है राज राजनीतिक कुछ ये हो सकता है हर एक आदमी का अपना अपना बायस है अलग अलग किस्म का मुझे ये अच्छा नहीं लगता तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता ये सारे बायसेस जो मॉडर्न इतिहासकार है उसका भी आ सकता है मेरी खुद की इनकॉम्पिटेंस भी हो सकती है आ, मैं पढ़ते वक्त मुझे संस्कृत नहीं आती अगर या पर्शियन नहीं आती या अरेबिक नहीं आती तो मैं वो सोर्सेज को लॉस्ट इन ट्रांसलेशन भी हो सकता है बहुत सारे हमारे जो एंशेंट इंडिया प्राचीन भारत के जो जाने माने इतिहासकार माने जाते हैं इस देश में उनको संस्कृत का एक शब्द भी पता नहीं है वो सारे जो हैं अनुवाद पर निर्भर करते हैं तो आप देखिए कि एक सोर्स है सत्य एक है उसको यहाँ आज प्रस्तुत करते करते कितने फिल्टर्स आ जाएंगे सोर्सेज आर इनकम्प्लीट वी आर इनकम्प्लीट आवर कम इन टू द पिक्चर और इन सबसे फिल्ट्रेट होते होते जो सत्य का छोटा निचोड़ आता है वो इतिहास बनता है तो इसमें आप uh, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने uh, कितनी गलतियाँ हो सकती हैं नॉट नेसेसरली कि यू uh, नो you know, uh, यू नो पर्पसली कोई गलती कर रहा है बट जस्ट दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ दिस सब्जेक्ट हिस्ट्री एक डिसिप्लिन की तरह वो है ही ऐसा कि इसमें बहुत ही एक कॉम्प्रोमाइज इंटरवेंशन uh, ये इनोवेटबल है तो ये बात हमको याद रख के जो वेस्टर्न मैं उसको uh, पूरी तरह से उसका खंडन नहीं करता कि जो एविडेंस बेस्ड रंग मॉडल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी उसको हमें uh, दरकिनार कर देना चाहिए पूरी तरह से अपने इंडिक विजन में करना चाहिए आई थिंक इन दोनों का एक समन्वय होना चाहिए शुड बी अ बैलेंस तो ये कथा कहानी काव्य तो एक कवि का रोल इंडिक फिलॉसफी में बहुत यू नो महत्वपूर्ण था इतिहासकार भी कवि हुआ करते थे सारे गणितज्ञ भी कविताओं में लिखते थे तो काव्यों में महाकाव्य जो लिखे गए तो इन काव्यों में क्या इतिहास निहित है वो भी आप कहीं से लो बाकी स्रोत से भी आप अपना जो इन्फॉर्मेशन है उसको लो और एक समन्वित तरीके से भारत का इतिहास प्रस्तुत करने की कोशिश होनी चाहिए जो अपने देश के दृष्टिकोण है अपने जे अपने हिस्टोरियोग्राफी का जो अप्रोच है उसका भी उसमें वो खुशबू हो वो झलक उसमें दिखे ये मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण है ये कहीं ना कहीं मिसिंग है जो एविडेंस बेस्ड मतलब जो हम फैक्ट्स में घुस जाते हैं कि ये कब हुआ ये कब ये हुआ या नहीं हुआ जी जबकि हम जो भारतीय परंपरा है जैसे आज के समय में अब तो वो नहीं रहे बाबा साहब पुरंदरे जो उन्होंने शिवाजी महाराज की जो हिस्ट्री अगर उनकी कहानी कहें जी। तो वो एक तरीके से उस ट्रेडिशन से आती है भारत का जो इतिहास लिखने का जो परंपरा है कि उसमें उद्देश्य ये नहीं है कि ये हुआ या नहीं हुआ उसका उद्देश्य भी अलग है और वो उद्देश्य समय काल के हिसाब से बदलता भी रहता है जैसे रामायण को लेते हैं हम जो तुलसीदास जी की रामायण है और जो वाल्मीकि जी की रामायण है अब आप तुलसीदास जी की रामायण सबको पता है आज जो भारत मेजोरिटी है वो सबको पता है लेकिन जैसे अमी गणतरा जी हैं उन्होंने वाल्मीकि रामायण से उठा के लिखा और वो आज ऐसे पॉडकास्ट में जा रहे हैं यहाँ पे भी आए थे तो वो जब बातें करते हैं कि ये वाल्मीकि रामायण में ये लिखा है तो लोग कहते नहीं ये झूठ बोल रही है Yeah. तो इस तरीके से ट्रोलिंग होती है विश्वास नहीं करते लोग hmm. लेकिन वो एक अलग काल के लिए है और जो तुलसीदास जी ने लिखी है वो एक बिल्कुल अलग काल में लिखी गई है hmm. तो उनके जो समकक्ष है उनकी जो कंटेम्प्रेरी सिचुएशन है hmm. तो एक तरीके से एक माध्यम भी है कि किस तरीके से लोगों को hmm. उस कहानी से जोड़ना है इंस्पायर करना है फॉर हायर पब्लिक गुड करेक्ट तो एक तरीके से ये हिस्ट्री का जो उद्देश्य है इतिहास का हिस्ट्री का तो नहीं पर इतिहास, इतिहास का जो एक उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं गौण हो गया है बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ऐसा लगता है बिल्कुल और ये जो हिस्ट्री है एविडेंस बेस इसमें कहीं ना कहीं वो नहीं आता है बिल्कुल बिल्कुल आ, इसमें जो आपने इतने सारे आ, महान व्यक्तित्व जो इसमें कवर किए हैं आ, मैं सोच रहा था कि इसमें क्या एक थ्रेड है जो यहाँ पे है एक तो थ्रेड जो मुझे लगा आ, आप बता सकते हैं कि वो सही है या नहीं क्योंकि जब ये शुरू होती है हाँ। आ, ललिता दित्ते से जो कश्मीर के राजा थे <coughs> तब मोहम्मद बिन कासिम की कहानी भी शुरू होती है जब आप दूसरे चैप्टर पे आते हैं तो फिर गजनी की कहानी शुरू होती है उसके बाद गोरी की होती है उसके बाद तैमूर की खिलजी की उसके बाद फिर ब्रिटिश इन्वेजन उसके बाद डच, तो एक तरीके से आपने जितने भी आक्रांता आए पिछले तेरह सौ सालों में उनके उनको कंटेम्परे रख के एक ऐसी फिगर्स को लिया है जो उनका रेजिस्टेंस जिन्होंने पुट अप किया जी बिल्कुल और ये बात अच्छी बात आपने उठाई कि इतिहास जब हम बोलते हैं कि इसको रिटर्न अगेन एक्सेट्रा फ्रेश पर्सपेक्टिव हमें आ, किसी को दरकिनार नहीं करना है अपने इतिहास से कि हमें गजनी अच्छा नहीं लगता तो उसके बारे में लिखेंगे नहीं अब मेरे अ, स्टेट में कर्नाटका में बहुत ये विवाद चला कि पाठ्य पुस्तकों से टिप्पू सुल्तान का नाम हटा दिया जाएगा अब आप अपने ये बहुत ही एक बेवकूफ़ी वाला हरकत है क्योंकि यू कांट विश हिम अवे कोई भी हो आक्रांता हो या कोई और हो अ, अच्छा शासक हो उसके बारे में न लिखना क्योंकि हमें वो अच्छा लगता है या अच्छा नहीं लगता ये इतिहास का आ, काम नहीं होना चाहिए जो जैसा है वो आप लिख लीजिए पर उसको उतना इम्पोर्टेंस मत दीजिए यहाँ पे आप नैरेटिव जो है हम जैसे पढ़ते हैं सिर्फ भारत का इतिहास आक्रांताओं का इतिहास है एक के बाद एक आक्रांता आते गए और और हम अपने घुटने टेकते रहे उनके सामने और वही मेन पीस हो जाता है बाकी सारे गौण हो जाते हैं जो वो सब रीजनल हिस्ट्रीज हैं तो ये ना करते हुए आप फ्लिप कर दो नैरेटिव को कि द मेन हीरोज़ भारत के इतिहास के मुख्य हीरोज़ uh, ये हैं जिन्होंने uh, इन आक्रांताओं को uh, के साथ लड़ाई की उनको परास्त किया वगैरह पर उनका भी जिक्र आना चाहिए खिलजी और तुगलक के बिना भारत का इतिहास uh, पूर्ण नहीं हो सकता है तो उनका आप ज़िक्र ज़रूर करिए पर उन पे फोकस उतना ज़्यादा मत कीजिए तो इस तरह से एक समग्र इतिहास बन सकता है जिसमें किसको हम प्रमुखता देते हैं किस पे हम लाइट फोकस करते हैं वो देखने का नज़रिया अलग होता है पर किसी को आप इसमें इसमें से निकाल मत दीजिए हम्म जैसे कलहण की बात कर रहे थे आपने इसमें लिखा भी है क्योंकि आप एक तरीके से हिस्टोरियन भी हैं हैं जो जो उस ट्रेंड हिस्टोरियन भी तो आपने लिखा है कि जो, आ, मतलब, आ, है कि हाँ। उन्होंने मतलब महिमा किया आखिरी के पन्नों में कि इन्होंने ये भी जीत लिया वो भी जीत लिया उसके बाद वो ज्योग्राफी सेट नहीं होती है कि इधर <laughs> से इधर कैसे पहुंचे एकदम से बिल्कुल तो वो एक तरीके से वो इतिहास और हिस्ट्री का वो एक्सट्रीम भी आता है तो वही मैं आपके पिछले वाले सवाल में कि आप लीजिए उन स्रोत को पर उसको परखिए जो आधुनिक कसौटी पे उसको परखना चाहिए कि कलहण जैसे आपने बोला ललितादित्य ने अपने दिग्विजय यात्रा पे गए वो और उनके अनुसार कश्मीर से होते हुए वो पूरे हिमाचल फिर जो इंडोगटिक प्लेन्स हैं वहाँ कन्नौज उज्जैन यशोवर्मन को उन्होंने परास्त किया फिर बोलते हैं कि नीचे मध्य देश मगध बंगाल इसमें से ये तो सही बात है कि यहाँ सब उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था बाद में जो बोलते हैं कि वो विंध्या पर्वत को क्रॉस करके वो दक्षिण पथ की ओर आए और, और राष्ट्रकूटा जो कर्नाटका में है उस राजवंश में कुछ गड़बड़ चल रही थी और वहाँ की रानी ने इनका इनकी मदद मांगी और उन्होंने मदद कर लिया और फिर उस आ, राज्य को अपना बना दिया और फिर वहाँ से तमिल देश जाते हैं उसको भी साध लिया फिर आ, सी क्रॉस करके वो लंका तक पहुँच जाते हैं और वहाँ भी कश्मीर का आधिपत्य स्थापित हो गया फिर वापस जाते हुए वो आ, आ, जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ के सारे किंगडम्स को उन्होंने कौन कर किया वहाँ एक दो जगह है आ, लटा डायनेस्टी गुजरात आ, और उस तरफ राजपूताना के पास वहाँ कुछ एविडेंस मिलता है कि यहाँ कश्मीर का कुछ इन्फ्लुएंस था आ, पर बाकी तो इसको ट्रायंगुलेशन जो क्रॉस वेरिफिकेशन अगर हम करें तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या राष्ट्रकूटा डॉक्यूमेंट्स में या इंस्क्रिप्शन में कोई उल्लेख है कि कश्मीर का कोई राजा यहाँ आया था हमला किया था और हम उससे परास्त हो गए थे आ, या नहीं लंका में कोई एविडेंस है कि आ, कश्मीर का कोई कॉइन मिल गया हो या वहाँ का जो सील है या कोई भी आर्क्योलॉजिकल एविडेंस हो सोर्सेज लिटरेरी एविडेंस हो मैनोस्क्रिप्ट हो इंस्क्रिप्शन हो कुछ भी अगर मिलता है जो कल्हण की बात का पुष्टिकरण कर सकता है नहीं मिलता है hmm. तो इसीलिए तब हमें तो और ये गौरतलब बात यह है कि ये ललितादित्य का समकालीन नहीं था कल्हण तो वो आए थे ऑलमोस्ट 400-500 साल बाद तो कोई जरूरत नहीं थी कि उसको कि ललिता देते की का महिमा मंडन उसको करना है पर सिर्फ क्योंकि हाँ, हर कोई एक चक्रवर्ती सम्राट उनको बनना था और उसके अपने जो राजा तब था कश्मीर का शायद उसने बोला था कि आपको कश्मीर की महानता को स्थापित करना है आ, देश के गौरव गाथा में तो इसलिए हमारे पूर्वजों का भी आप महिमा मंडन करके लिखिए तो उसने इतना सब कुछ बढ़ चढ़ के उसको आ, बोल दिया है पर क्या हम उसको पूरी तरह से जो, जो का त्यों लेके आज का इतिहास और इंडिक पर्सपेक्टिव बोल के उसका जो भी बात उसने कही है अगर हम बिना उसको परखे जाने समझे उसको लिख लेंगे तो बिल्कुल एक गलत चित्र प्रस्तुत हो जाएगा तो उसी में वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो है एविडेंस बेस्ड जो आ, उनका है इन दोनों का समन्वय जो है वो इसी Uh, आपकी जो बात है इसी से उसका एक इलस्ट्रेशन uh, है कि किस तरह एक कॉम्पोजिट अप्रोच टू हिस्ट्री विल एक्चुअली हेल्प इसमें ललितादित्य की जब बात करते हैं तो इसमें एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग जो बात आती है uh, जो हमने सुना है कि जब ये आक्रांता आते हैं वो या तो सोना चांदी ये सब लूट के ले जाते हैं या स्लेव बना देते हैं uh, मंदिरों को तोड़ते हैं ये सब हमने सुना है जी <coughs> लेकिन जब ललितादित्य कम्बोज कन्नौज पे जब आक्रमण करते हैं और उसको यशोवर्मन को हरा के हुँ. तो वो क्या करते हैं वहाँ से जो पोएट्स हैं इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको अपने साथ कश्मीर लेके जाते हैं बिल्कुल ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि बिल्कुल. ये कहीं ना कहीं इंडियन हिस्ट्री का एक ट्रेडिशन रहा है बिल्कुल सही बात है कि जो इंडिक इमेजिनेशन है उसमें चक्रवर्ती सम्राट तब नहीं बनता जब वो सिर्फ टेरिटरी को कॉनकर करे या बहुत बड़े बड़े आलिशान मकान और महल और देवालय स्थापित करे वो तो है ही पर उसके साथ साथ उसकी और उसके जो साम्राज्य की आ, का जो महिमा है वो तभी बढ़ता है जब उसके दरबार में उच्च कोटि के आ, पंडित और स्कॉलर्स हों तो इसीलिए ये होड लगी थी कि जहाँ भी आप किसी को अटैक करें तो आपके जो ओपोनेंट हैं उसके जो सबसे ये भी कई वामपंथी इतिहासकार बोलते हैं कि जब हिंदू राजाओं ने दूसरे हिंदू राजाओं पर अटैक किया तो उनके मंदिरों से मूर्ति लेके अपने इसमें चले गए आ, वातापी आ, वो गणपति का भी वो है कि कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह वो गए हनुमान पोल का भी इसमें हाँ 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 हा, हा। तो ये, इसमें ये जो आपके ओपोनेंट हैं उसको अगर आप क्रश करना है तो जो आ, इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट में जिस तरह से आ, काफिरों की का धर्म उसको खंडित करना है उनके मूर्तियों को तोड़ के पाउडर करके उसको अपने मस्जिद के आ, स्टेप्स पे उसको चुनवाना है वो यहाँ का ऑब्जेक्टिव नहीं था आप ये आइडल्स हो या फिर वहाँ के पंडित हो, जो आपके ओपोनेंट के लिए बहुत आ, श्रद्धा का विषय है वो आप उनसे ले लीजिए और अपने राज्य में उसको स्थापित कर दीजिए उसको वहाँ एक आ, उच्च कोटि का एक स्थान उसको प्रदान कीजिए तो वो मूर्ति को खंडित नहीं करते वहाँ से लेके वो उसके लिए उससे भी बड़ा भव्य मंदिर अपने राज्य में बनाते साथ ही जैसे ललितादित्य ने यशोवर्मन का जो आपने बात किया उनके दरबार में जो जो प्रमुख पंडित थे अत्रिगुप्ता भवभूति वाक्पति बहुत सारे अन्य लोग तो उन सबको अपने साथ ले जाते हैं वापस और वहाँ कश्मीर में वो उनको पूरी तरह से पेटर्नेज दिया जाता है और अत्रिगुप्ता का जो पोता है वो है अभिनव गुप्ता जो कश्मीर शैविज़्म जो स्कूल हुआ था उसका आविर्भाव उन्हीं के द्वारा हुआ था तो कश्मीर शैव सिद्धांत हो या तंत्रा हो इन सब के लिए एक बहुत प्रमुख केंद्र बन जाता है फिर बाद में जाके ज्योतिष शास्त्र हो आयुर्वेद हो संस्कृत का पठन हो इन सारी चीज़ों के लिए एक इसीलिए शायद आदि शंकराचार्य ने वहाँ पे एक सर्वज्ञ पीठ स्थापित किया जो सर्व सर्वज्ञ और ज्ञान की देवी शारदा माँ वहाँ की प्रमुख देवी थी और वहाँ की लिपि भी शारदा कहलाती थी तो ज्ञान का एक इतना बड़ा साम्राज्य तो उसका दिग्विजय कैसे हुआ कि उसने ज्ञान का साम्राज्य भी स्थापित किया ये यूनिक बात है हमारे देश के जो यू नो इन्वेजन या जो इंटर स्टेट फाइट्स वगैरह में कि मटेरियल पर तो एक था ही पर साथ साथ स्पिरिचुअल एज वेल एज इंटेलेक्चुअल बौद्धिक अधिपत्य स्थापित करना भी uh, बहुत ही एक प्रमुख ड्राइवर uh, था सबके लिए ये uh, जो ललितादित्य हैं ये जब uh, इनका मोहम्मद कासिम का इसका जब ये यहाँ पे आता है आक्रमण करता है तब तब ये वहाँ के राजा थे जी अब वो मैं नहीं जाऊंगा उसमें क्योंकि आपने कई जगह बात की है कि किस तरीके से 300-400 साल लगे पहली इस्लामिक सल्तनत बनने में जी। जब से आक्रमण शुरू हुए लेकिन जब हम दोबारा राजेंद्र चोला और राजराज चोला पे आते हैं तब उनका साम्राज्य था गंगा से लेके नीचे तक एक में इन्होंने ये पूरा साम्राज्य ले लिया था और चालुक्याज और राष्ट्रकूटाज ये भी सब उनके अंडर में एक तरीके से आ गए थे आ, तो उस समय मेरे को हमेशा एक ये आ, आता है कि जब सोमनाथ पर गजनी का हमला हो रहा था 1026 में तो क्या इन्होंने कभी सोचा नहीं कि ये अभी आ गया है या इसको अटैक करना है क्योंकि वो ऐसा तो था नहीं कि मतलब कई दिन तक तो चला होगा वो दस दिन पंद्रह दिन तो किसी ने सोचा नहीं आसपास के राजाओं ने कि इसको बचाने के लिए इसको पनिश करने के लिए हमको कुछ करना चाहिए बहुत सारे मैंने इस किताब में भी लिखा है कि Uh, कि एक तो राजा uh, जब मथुरा पे उन्होंने uh, मथुरा का uh, मूर्ति भी उन्होंने uh, खंडित किया सोमनाथ भी था सारे जो हमारे धर्म क्षेत्र थे पुण्य क्षेत्र थे उनको उन्होंने खंडित किया तो उसका बदला लेने के लिए बहुत सारे uh, जो उत्तर भारत और पश्चिम भारत के uh, राजा रा, सोमनाथ के उसमें रानी ना नाई की देवी हाँ, का आता है हाँ वो तो बाद में आती है घोरी के वक्त पे पर राजाओं का प्रतिशोध तो एक तरफ है अरिहन जी बट गौरतलब ये बात है कि आम हिंदू उसमें भी वो जागृति थी कि हमारे मंदिर को और हमारे देवता का अपमान हुआ है क्योंकि जब मोहम्मद गजनी आता है गुजरात तो वहाँ का जो चालुक्य वंश का राजा है भीमदेव वो तो भाग गया है और फिर ये इजीली पटन को क्रॉस करते हुए सोमनाथ पहुँच जाता है गजन, मोहम्मद गजनी और उसको वहाँ देख के अचंभित रह जाता है कि पचास हज़ार के करीब आम हिंदू वहाँ अपने मंदिर की प्रतिरक्षा करने के लिए खड़े हैं और ये कोई राजा के सेनानी या ऐसा कोई नहीं थे आम हिंदू थे तो उसको ऑलमोस्ट एक हफ्ता लगा उन सबको परास्त करके उन सबको मारने आ, मारने के लिए उसके बाद वो अंदर जाता है और यहाँ भी ये बात बार बार हमें बोला जाता है वामपंथी इतिहासकार कि मोहम्मद गजनी आया था वो तो इकोनॉमिक कंसिड्रेशन के लिए आया था वो रिलीजन बेस्ड कुछ था नहीं पर उनके अपने जो पर्शियन रिकॉर्ड्स हैं क्रॉनिकलर्स जो उनके दरबारी इतिहासकार हैं चाहे वो अलबरूनी हो फरिश्ता हो मिन्हाज सिराज जो सारे लोग इस सोमनाथ या इन सारे आ, घटनाओं का वर्णन करते हैं उसमें वो ये बात एक घटना बोलते हैं कि इन सब को पचास हज़ार लोगों को मार के जब वो मंदिर के गर्भगृह में जा रहा है तो पुजारी लोग वहाँ से दौड़ के आके उनको बोलते हैं कि देखो तो तु, तुम लुटेरे हो तुम्हें अगर धन ही चाहिए तो जितना भी धन हमारे मंदिर में है हम उन आपको दे देंगे आप ये धन लेके चले जाइए हमारे देवता को बचा लीजिए तो तब कहा जाता है इन सारे क्रॉनिकलर्स ने कि तब मोहम्मद हंस के बोलता है कि अगर मैं ऐसा करूं तो मैं बुतों का व्यापारी कहलाऊंगा मुझे ऐसे कहना नहीं कि को, कोई इच्छा नहीं है मेरी लेगेसी जो है शिकन होने की है बुतों को तोड़ने वाला तो मैं मुझे धन नहीं चाहिए मुझे वो बुत चाहिए जिसको मैं तोड़ तोड़ने वाला हूँ तो उनके अपने रिकॉर्ड जैसे बोल रहे हैं कि वो बुद्ध शिकन होने के लिए आया और आज हमारे इतिहासकार उसको फैब्रिकेट करके बोलेंगे इसमें तो इकोनॉमिक कंसिडरेशन है <laughs> इसमें कोई रिलीजन नहीं है ये तो हिंदू मुस्लिम का की बात नहीं है तो कितना असत्य चीज़ है और बाद में जब प्रतिशोध का बा की बात हो रही थी तो सोमनाथ को तोड़ने के बाद वो जल्दी में वापस गजनी जाना चाहता है फिर से सामान्य हिंदू हिंदू जागृति की आज अगर हम बात कर रहे हैं तो आप हज़ार साल पहले की सोचिए कि सामान्य हिंदू इससे इतने आहत हुए कि उनकी जो प्रमुख ज्योतिर्लिंग का नाश हुआ था तो जब वो वापस जा रहा था तो उसको बरगलाने के लिए गाइड्स के रूप में वो आए कुछ लोग और उसको उसको पानी की ज़रूरत थी जाते वक्त और किसी ने कहा मैं गाइड हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ पानी कहाँ आता है और रेगिस्तान के अंदर 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 कहीं लेके गए उसको तो उसको शंका हुई बीच में मोहम्मद को कि कहाँ ले जा रहा है ये आदमी हमें तो उसको पकड़ के पूछता है कहाँ ले जा रहे तुम तो तब वो बोलता है कि आपने हमारे देवता का अपमान किया मैं आपका बदला लेने के लिए आपको बरगला के कहीं और ले जा रहा हूँ यहाँ कोई पानी अवेलेबल नहीं है आपको प्यास के साथ आपकी सारी सेना को आ, मारने का मेरा इरादा था hmm. तो वो सच बोल देता है जब उसको टॉर्चर किया जाता है तो देन ही इज ऑफकोर्स किल्ड पर आप सोचिए कि ये कोई राजा नहीं था ये कोई सेना के जवान नहीं थे सामान्य हिंदुओं ने एक इतने बड़े आक्रांता को आ, का सामना किया मंदिर में उसका प्रतिशोध लिया बाद में जब मंदिर तोड़ा गया उसका प्रतिशोध लेने की भी कोशिश की hmm. आ, की गई तो ये जो बात है कि हम बिना कुछ किए सिर्फ घुटना टेकते रहे वो बिल्कुल असत्य है और ये सारी जो घटनाएं हैं ये मैं नहीं कह रहा हूँ उनके खुद के जो दरबारी इतिहासकार हैं वो लोग इसको रेखांकित अपने क्रॉनिकल्स में कर रहे हैं और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है सोमनाथ की बात नहीं है जब मथुरा में होता है या दिल्ली में जब होता है पानीपत की लड़ाई के बाद जब वो सब कुछ लूट के ले जाता है नादिर शाह है चाहे गांव के लोगों ने जो रास्ते में पड़ते थे जब वो वापस लूट के ले जाता था तो आधा तो सोना कई जगह ऐसा हुआ है कि वापस से लोगों ने ही लूट लिया है उसका बिल्कुल, वापस बिल्कुल, से बिल्कुल तो ये तो लेकिन एक बात बताइए आप कह रहे हैं कि सामान्य हिंदू हिंदू तो अभी नहीं बने हैं क्या उन्नीस के बाद हमने <laughs> तो ऐसा सुना है कि हिंदू कोई शब्द ही नहीं था चोला भी हिंदू नहीं थे कोई भी हिंदू नहीं था तो ये क्या कॉन्सेप्ट है नहीं पहले तो पहले तो बोला गया योग योगा हिंदू नहीं है फिर पता नहीं ओणम भी हिंदू नहीं है आयुर्वेद हिंदू नहीं है गर्भा कोई करता है वो भी हिंदू नहीं है अभी जा, जाति हिंदू जातिवाद हिंदू है, 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 है। ब्राह्मणवाद है वो <laughs> पता नहीं हिंदू क्या है सब कुछ जो भी दिस... अच्छी चीजें हैं वो हिंदू नहीं है और जो खराब चीजें वो वो सब हिंदू हैं तो ये एक ग्लोबल एक एजेंडा चल रहा है वो डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व का जो कॉन्फ्रेंस चला तो तब से आप लेकिन कोई हाँ बताइए नहीं एक मुझे लगता है कि देखिए एक बड़ा बस है या सनातन धर्म जो है इसमें सारी चीजें जुड़ जाती हैं एक एक तो है जो परंपराएं हैं वो सारी चीजें साथ में जो शमैनिज्म जो एनिमल एनिमिज्म के भाग हैं तंत्रा है ता, तांत्रिक स्कूल शाक्ता फिलॉसफी वो वैदिक रिचुअल से बिल्कुल परे है वहां तो पंचमकार है आ, मद मत्सर मांस मैथुन ये सारी चीजें हैं उसमें तो वो वैदिक परंपरा से बिल्कुल आ, परे है जो शुद्धता और फिर सात्विक गुणों से जो पूजा होती है यहाँ बिल्कुल अलग है जो भूत आराधना हो जो एनिमिज्म हो शमानिक शा, रिचुअल्स हो साथ ही निरीश्वरवाद हो एथिज्म हो वो भी है तो ये ओमनीबस एक बड़ा सा एक सुपरसेट है इसमें हर हर कोई हर धारा के लोग जुड़ जुड़ सकते हैं और उनको अपनाया जाता है उनको इसी सनातन धर्म का एक हिस्सा माना जाता है आज जो मुहिम चल रहा है कि इस पूरे इस बड़े ओमनी को खंडित करो विभाजन करो इसको छोटे छोटे हिस्सों में और एक के बाद एक बोलो ये हिंदू नहीं है ये हिंदू नहीं है तो डिसमेंटल आप एक बड़े पेड़ को डिसमेंटल करने के लिए उसके टहनियाँ काटेंगे एक के बाद एक फिर जो है उसका जो मूल है जो ट्रंक है उसको आप काटेंगे तो यही आज हो रहा है चोला हिंदू नहीं है भूत आराधना हिंदू नहीं है ये वो नहीं है कल बोलेंगे तंत्रा भी हिंदू नहीं है क्योंकि उसमें मांस और ये आ, वो तो हो भी गया वो काली पोस्टर के टाइम पे कि ये उसका अलग है ये तो आ, दलितों का एलजीबीटी का इसका एक देवी है वगैरह तो वो आ, 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 सिगरेट पीती है हाँ तो आज भी वो कामाख्या आप जाओ और फिर बंगाल की तरफ जाओ तो ये सारी चीज़ें वहाँ है जो मार्ग में वहाँ पे वो करते हैं पर वो भी हिंदू हैं पर यहाँ यही बोला जाता है कि सिर्फ हिंदू मतलब सिर्फ वो वैदिक जो ब्राह्मणवाद और वैदिक परंपरा है वही कोर है बाकी सारी इसकी टहनियाँ हैं ये सब हिंदू नहीं है तो, तो, मतलब एक तरीके से वो तो वही बात कर रहे हैं जो आर्य समाज ही कहते हैं कि वो एक जड़ हो गया उसके बाद जो भी आया वो करप्शन है करप्शन है।, है और फिर इस जड़ को जड़ पे जो जो मेन है ट्रंक है पेड़ का उसको काटने के लिए आपके पास बहुत हैं पेट्रिया की कास्ट सिस्टम ब्राह्मिनिज्म ये वो तो ये सारी थियोरीज़ वहाँ के विश्वविद्यालयों में बैठ के सारे जो फर्जी लोग हैं वो सब इसको बनाते रहते हैं और उसको उसका प्रचार होता है तो डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व इसी तरफ इसी तरह हो रहा है कि इस ओमनी को कैसे छोटे छोटे भागों में उसका विभाजन करो और एक के बाद एक उसको डिसमेंटल करो फिर जो मूल है उसका वो अपने आप गिर जाएगा मतलब इसमें पूरी बुक में अगर हम पढ़ें पूरी पुस्तक में तो एक जो थ्रेड दिखता है कि सभी जो राजा थे हिंदू राजा थे उन्होंने क्या किया या रानियाँ थी उन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया कि जब भी वो जीतते थे या अपने उनका एक नहीं भी जीतते थे तो भी जैसे रा, रानी अहिल्या भाई होलकर हैं या ललितादित्य से लेके होलकर तक आप देखते हैं कि सभी ने इतने बड़े बड़े मंदिर बनवाए या उनका रेनोवेशन किया तो ये मंदिर ये नहीं थे तो वो क्या मतलब अगर वो हिंदू नहीं थे तो कौन है हिंदू बिल्कुल बिल्कुल मतलब तो कम कोई? से कम ये पुस्तक ही पढ़ लो उसमें पता चल जाएगा कि हिंदू थे या नहीं थे बिल्कुल, बिल्कुल. तो इसमें एक, एक और है दसवें पेज पे कि हमको ये बताया जाता है कि जब इन्वेजन्स हुए थे शुरू हुँ. तब भारत का जो समाज है वो पतन में था हम्म लेकिन आपने जैसे लिखा है कि जो अट्रैक्शन था भारत का हम्म वो ये था कि समाज सबसे बढ़िया है बिल्कुल बिल्कुल ये तो एकदम से विपरीत हो गया बिल्कुल और ये तब के जो ट्रैवलर्स थे चाहे वो चाइनीज जो बुद्धिस्ट ट्रैवलर्स फाहियान द ह्युएनसांग वगैरह जो आए थे उनके अकाउंट्स आप देखें या फिर अरब कार्टोग्राफर मोहम्मद अली इन सब ने जो लिखा है कि यहाँ ये जो देश है यहाँ लोग बहुत ही धर्म पालन करने वाले सत्य बोलने वाले दे बिलीव इन जस्टिस ट्रूथ इक्वालिटी ये सारी चीज़ बाहर के लोग आके बोल रहे हैं तो और इसीलिए क्योंकि वो समाज में वो समन्वय था और धार्मिक फिलॉसफी से वो चल रहा था इसीलिए उनको उस उसका विस्थापन करने में इतना वक्त लगा नहीं तो जो बा, बाकी जब मौ, पैगंबर मोहम्मद साहब के जाने के बाद कुछ ही वर्षों में जो बाइजेंटाइन एम्पायर हो ससैनिड एम्पायर हो पूरा जो मध्य एशिया हो या फिर नॉर्थ अफ्रीका तक हो अटलांटिक के छोर हो वहाँ से लेके पूरा जो बड़ा इस्लामिक साम्राज्य बना वहाँ के राज्य और वहाँ के समाज क्यों इतने जल्दी इनके सामने परास्त हो गए क्योंकि वहाँ का समाज बहुत ही वीक था वहाँ जो धर्म वो फॉलो कर रहे थे उससे लोग ऊब गए थे उसमें बहुत सारी कुरीतियाँ आ गई थी तो समाज उस समाज को विस्थापित करना उनके लिए आसान था यहाँ जैसे आपने सही बोला कि हमें बोल बोला जाता है कि क्योंकि हम विभाजित थे हम आ, आपस में लड़ रहे थे इसीलिए आक्रांता आराम से आके यहाँ बस गए उल्टा है कि आक्रमणों के वजह से हमारे समाज में आ, समाज कुंठित हो गई हमारा समाज जो है आ, उसमें कुरीतियाँ उसके बाद आई क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन अकाउंट्स हैं कि जब वो आए यहाँ पे तो बहुत ही इसका इस समाज का और इस देश का और यहाँ के लोगों का यहाँ जो प्रॉस्पेरिटी है जो ज्ञान है इस सबका उन्होंने बहुत महिमा करके उसका वर्णन किया है तो कहीं तो वन प्लस वन वो नहीं हो रहा है दो चीज़ें ये तो है इसमें एक और जो बात आपने कही है कि इसमें जो दिखाई भी है कि हर राजा के जब भी आक्रमण होता था तो वो ऐसा नहीं था कि उसका राज्य है तो वो सिर्फ मतलब लड़ने चला गया उससे ऐसा था कि उनका पहला ये भी सोच होता था कि जो आसपास के राजा हैं उनके साथ संधि करके एक यूनाइटेड फ्रंट हमको खड़ा करना है चाहे आप उसको शुरुआत में देखें आ, कासिम के समय का देखें या फिर आप लचित बोरपकन के आसाम के अहोम जब डायनेस्टी है मुगल्स के खिलाफ लड़ रहे हैं तब देखें सभी में एक ही थ्रेड है कॉमन कि जब वो संधि करके वो लड़ते थे यूनाइटेड फ्रंट करने की वो पूरी कोशिश करते थे हाँ। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ अलग अलग थे इसलिए हम हार गए वो भी है पर इसको भी हम हमें बहुत उसको एग्जेजरेट भी नहीं करना चाहिए कि कई इंस्टेंसेस मैंने इसमें भी डाले जब जब वो नहीं हुआ और इसकी वजह से आ, हमें बहुत बड़ा एक प्राइस पे करना आ, पड़ा था नईकी देवी की आप बात करें तो 1178 में जब मोहम्मद घोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया तो नई देवी ने वो गुजरात के चालुक्य वंश की थी नहीं। नहीं। तो उन्होंने बहुत सारे मैसेजेस भेजे पृथ्वीराज चौहान को और फिर जयचंद को सबको कि आप हम सब साथ मिलके पूरा जो उत्तर पश्चिमी भारत है वो एक एकजुट हो जाए और इनको पछाड़ के वापस भेजा जाए पर पृथ्वीराज चौहान ने खुद वो उन, डाउट करते थे चालुक्य वंश को तो उन्होंने उनके साथ हाथ नहीं मिलाया इसका क्या असर हुआ उन उन्हें खुद पता चला बीस साल तीस साल बाद जब बैटल ऑफ तरेन हुआ और वो परास्त हो गए तो ऐसी भी थी कि बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज थे जो अरब आए तब तो बहुत बप्पा रावल हो भट्टा हो चालुक्या विक्रमादित्य पुल और दंटी दुर्गा ये सारे लोगों ने एक बड़ा एक अलायंस क्रिएट किया यशोवर्मन और ललितादित्य जो राइवल्स थे वो भी हाथ उन्होंने मिला दिया और जैसे आपने बोला लचित बोर के वक्त में अहोम राजा और कुछ बिहार और वहाँ के सारे छोटे, छोटे छोटे जो राज थे वो सब हाथ मिला के मुगलों औरंगजेब की सेना के सामने खड़े हुए तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें मिलते हैं पर ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जो पर्सनल राइवलरी की वजह से है या फिर लैक ऑफ फोरसाइट की वजह से पृथ्वीराज चौहान जैसे महान राजा ने भी इसका देखा नहीं कि घोरी इतना बड़ा चैलेंज हो सकता है और एक ये औरत क्या हमें एक साथ करेगी गुजरात की रानी तो मैं उसको अपने ढंग से अकेले उनको फेस कर लूँगा तो ऐसा जो ओवर कॉन्फिडेंस है या लैक ऑफ फोरसाइट ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण कई राजाओं और इंस्टेंसेस में भी मिलता है तो हमें वो पक्ष भी रखना है ऐसा नहीं कि सिर्फ आ, आ, अपना जो महिमा है उसको एग्जेजरेट करके लिखे कि हम हमें बहुत आइडिया था तो वो डिवाइडेड नेशन तो वो भी था दोनों सत्य थे तो दोनों को आप हमें आ, कहना है और आज के लिए जो इंस्पिरेशन है द इट शुड बी द फॉर्मर ऑफ हाउ हम एक साथ हुए कॉमन एनिमी के आ, सामने एक कारण ये भी हो सकता है कि जैसे सातवीं आठवीं जो सेंचुरी है उसमें जो आ, एक सेंस था बिलोंगिंग का हाँ। कि एक साथ आ जाते हैं हाँ। वो शायद दूसरे समय काल में या ग्यारहवीं बारहवीं सेंचुरी में वो थोड़ा सा वीक हो गया हो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं 300 300 साल का गैप है इन सब कहानियों में जी। तो समय भी बहुत तेजी से बदला है समाज भी बहुत तेजी से बदला है जैसे जैसे आक्रमण हुए और शायद जब जैसे आक्रमण हो गया या पूरा मुगल साम्राज्य आ गया तो एक अलग सेंस हो गया सोसाइटी में कि अब इनको इनके साथ खड़ा होना है हम आपस में नहीं लड़ सकते जी और वो पहले भी सेंस रहा होगा तो एक ये फैक्टर भी हो सकता है बिल्कुल इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो पूरा है कि हमको जो डाइनेस्टीज सब में बताई गई हैं चाहे आप चौहानस ले लीजिए चालुक्यस ले लीजिए आपने तो एक जगह बताया भी कि किस तरीके से चार जो साम्राज्य हाँ। हैं, हैं चौहान परमार, परमार। और ये सब चार जो पूरे नॉर्थ इंडिया में और मध्य भारत में गुजरात से लेके और फिर ये भी आता है कि गुजरात से ही यादव जो हैं जो आज की आ, मद, आ, इसमें आप जहाँ से आते हैं आ, जो डायनेस्टी वोडियार डायनेस्टी है उनका भी वो ट्रेस करते हैं कि गुजरात से हैं तो एक तरीके से लगता है चालुक्य और फिर उसके बाद शायद चोलाज और ये सब भी कहीं ना कहीं ये स्ट्रीम कहीं ना कहीं एक जगह तो नहीं मिलती है कहीं जाके ऐसा लगता है क्योंकि सभी लोग एक दूसरे से ट्रेस करते हैं कि कहीं ना कहीं ये रहे होंगे एक दूसरे के और सबको वही है कि या तो सूर्य वंशी या चंद्रवंशी हैं हाँ। तो सारे तो सूरज और चांद से ही जुड़े हैं हाँ। लोग ये भी तो <laughs> ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि कि किसी किसी को ये करना चाहिए कि अगर आप यहाँ से बात करते हैं अब तो हाँ। कास्ट हो गई है डिफरेंट डिफरेंट उन्हीं वही आइडेंटिटीज हो गई हैं बट पहले तो ये एम्पायर्स थे तो क्या वो एम्पायर्स कहीं मिलते हैं पास्ट में जाके चालुक्यास के इतने सारे ब्रांचेस थे हाँ। मैंने इसमें बखान किया कि ईस्टर्न चालुक्यास और वेस्टर्न चालुक्यास बंगाल से लेके कर्नाटक तक और गुजरात तक हाँ और फिर चोल चोला आर्मी का एक जो यूनिट है वो जब बंगाल अटैक करता है तो जो सेना डायनेस्टी है वहाँ पालास के बाद जो सेना आता है वो कर्नाटका से गया हुआ एक ब्रांच बंगाल में सुदूर बंगाल में उस वंश का स्थापन वहां करता है बहुत क्रॉस लिंकेजेस टेरिटरीज़ ये हमें देखने को जरूर मिलता है। और संजीव सान्याल जी की भी एक पुस्तक थी उसमें दिखाया था कि कैसे उड़ीसा से लोग जो श्रीलंका की एंसेस्ट्री है वो भी कही न कहीं ना कहीं उड़ीसा से जुड़ी हुई है हुँ, हुँ। तो ये सारी काफी अच्छी लिंकेजेस है जो किसी को एक्सप्लोर करना चाहिए स्पेशल एक बुक लिख के बिल्कुल इसमें मैं एक कहानी जो और तो सारी कहानियां मेरे ख्याल से सब जगह हो गई है बात बट टेकराना कुम्बा की जो कहानी है आ, उसमें जो हनुमान पोल की कहानी है वो थोड़ी बताइए क्योंकि वो उस थ्रेड को बताती है कि किस तरीके से आप जब अटैक करते थे तो दूसरों के जो देवी देवता हैं उनको आप अपने पास ला के स्थापित करते थे तो जैसे मैंने पहले बोला कि दूसरों की देवी देवता हो या फिर वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स हों उनको अपने दरबार में लेके अपने राज्य में लेके उसको वहाँ गिव देम अ प्राइड ऑफ प्लेस वो उन्होंने किया पर राणा कुंभा का एक और चीज़ है जो इसमें लिखा गया कि अदरवाइज़ यूजअली ये सावरकर भी अपने इसमें बोलते हैं कि जो हमारे राजा थे वो सद्गुण विकृति से त्रस्त थे <laughs> <laughs> कि हम जो हैं अपने युद्ध नीति से वी आर सो बेसॉटेड बाई इट कि महाभारत के काल से ये अनरिटन लॉज हैं कोड्स ऑफ कंडक्ट कि सूर्यास्त के बाद हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे जो निहत्ते हैं उन पे वार नहीं करेंगे औरत, औरतें हों या बच्चे हों बूढ़े हों इन सब पे हम जो सिख हों इन पे जो अस्वस्थ हों उन पे कुछ नहीं करेंगे पर जो हमारा आक्रांता था वो तो ये सारे रूल्स फॉलो नहीं करता था तो उसका तो आ, साम दाम दंड भेद जो भी हो आप उसका आ, उनके औरतों का बलात्कार करो उनको सेक्स ट्रेड पे ले जाओ उनके जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है उसको पूरी तरह से नष्ट कर दो उनका मतांतरण कर दो ये सारी चीजें तो वो करते थे तो जब अनिक्वल एक सिचुएशन आए जब हम ये सारे आइडियल्स को फॉलो करते हैं पर अपना ओपोनेंट उनको फॉलो नहीं करते तो सावरकर भी उसी को सद्गुण विकृति बोलते हैं कि आप उसी चीज़ को अपना ग्रेटनेस बोलने से कोई फायदा नहीं है आपका तो हानि ही होगा क्योंकि आप जरूर इस अनिकवल युद्ध में आप ही हारेंगे तो राणा कुंभा शायद एक इकलौते ऐसे थे जो जो राजपूतों में बाद में उनका भी वही हाल था कि वो बंदी बना लेते हैं खिलजी को या तुगलक को छह महीने छोड़ देते हैं वो आ, अगर क्षमा मांग लेते हैं तो बहुत उदार कर्ण शूरवीर कर्ण की तरह उनको तो छोड़ देते हैं एंड दैट पर्सन लिव्स ऑन टू सी अनदर डे इसी पे फिर से आक्रमण करेगा और इसको मार डालेगा पर राणा कुंभा ने भी एक दो बार ऐसी गलती की परंतु एक दो इंस्टेंसेज आते हैं जब मालवा और गुजरात के बाकी सुल्तान जब तीनों इकट्ठे हो जाते हाँ, इकट्ठे होते हैं वहाँ बन माता की जो मंदिर है उसको तोड़ता है तोड़ते हैं ये लोग तो उसका प्रतिशोध लेने के लिए राणा कुंभा भी जाके उनके एक मस्जिद को ध्वस्त करते हैं तो ये भी एक शायद एक फ्यू इंस्टेंसेस जब हिंदू राजा ने भी आ, अपने ओपोनेंट के साथ वही किया जो वो हमारे साथ करते थे कि आ, वो अनरिटन लॉ को छोड़ के कि दूसरे के प्लेसेस ऑफ वर्शिप को हम टच नहीं करेंगे कहा वो तो हमारे जो सबसे आ, आ, महान जो देवी का मंदिर है उसका नाश किया तो मैं भी उसका वही प्रत, प्रतिशोध उसी तरह से लूँगा तो ये बाद में वो स्पिरिट शायद चला गया राजपूतों में कि ऐसे सदगुण विकृति के लिए तो शायद सावरकर शिवाजी महाराज को भी कहीं ना कहीं दोषी ठहराते हैं और उसको बहुत तोड़ मरोड़ के आज प्रस्तुत किया जाता है कि उन्होंने बलात्कार को एक टूल ऑफ रिवेंज बोला था उन्होंने ये नहीं कहा था उन्होंने यही कहा था कि शिवाजी महाराज हों या चिमाजी अप्पा उन्होंने इन सारे लोगों को छोड़ दिया था खासकर जो औरतें हैं वगैरह जो जिनको उन्होंने कैप्चर किया उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने सोचा होता कि वहाँ के लोग आ, हमारे औरतों के साथ क्या किए हैं और हम इतना उदार होकर उनको छोड़ रहे हैं एक बार भी उनके हृदय में वो डर नहीं बैठ रहा है कि अपना जो आ, विरोधी है वो भी हमारे साथ वही कर सकता है जो हम इनके साथ कर रहे हैं अगर वो डर बैठ जाए अपने विरोधी के मन में तब वो ऐसे कृत्य करने के लिए वो आ, दस बार सोचेगा पर उसको पता है कि ये तो बुद्धू आदमी है कायर है हम जो भी इसके साथ करें थोड़ा भीख मांग ले तो हमको हम छोड़ देगा तो हम जो मनमानी कर, करना चाहें हम कर सकते हैं और हम छूट जाएंगे तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आप बलात्कार बलात्कारी होना चाहिए वग़ैरह उन्होंने कहा इन्होंने सोचा नहीं था कि अगर इस तरह से एक वो डर बैठ जाए कि hmm. इनको अगर हम टच करें तो हमारे साथ भी वैसा ही सलूक ये लोग करेंगे जैसा हम इनके साथ कर रहे हैं तो शायद जो हज़ार वर्ष के जो आक्रमण हुए उसमें इतनी क्षति हमको ना पहुंच पहुंचती और हमारे जो मंदिर हैं या हमारी औरतें बच्चे हैं उनके साथ जो हुआ हुआ वो शायद बच सकता था hmm. तो व, वो चीज़ उन्होंने उसमें लिखी उनका जो लेखन शैली था वो कवि भी थे तो अतिशयोक्ति में वो लिखते थे उस और वो मराठी में लिखा है तो उसको अंग्रेज़ी और हिंदी में अनुवाद होते होते लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हुआ और आज का जो राजनीतिक माहौल है और जो आइडियोलॉजिकल माहौल है उसको और तोड़ मरोड़ के, उसको और तोड़ मरोड़ करके उन्होंने बलात्कार को एक टूल ऑफ रिवेंज प्रिस्क्राइब किया है ऐसा एक वक्तव्य प्रस्तुत कर किया जाता है जो बिल्कुल गलत है कि सदगुण विकृति का कुछ जो थोड़ा सा काउंटर क्या होगा मतलब वो अपोजिट वर्ड क्या होगा जो उसको <laughs> क्या बोलेंगे लेकिन ऐसा कोई राजा था जिसमें वो सदगुण विकृति नहीं थी और वो महान राजा था कुंभा जैसे हमने बोला लेकिन उनमें भी तो थी हाँ, शुरुआत में तो थी बहुत कम वही हम उसी के कारण तो इतिहास में जब वही जैसे पिछले आपके सवाल पे हम बात कर रहे थे कि एक तो जो यूनिटी थी वो भी एक पक्ष है जो डिजयूनिटी थी वो भी एक पक्ष है सिमिलरली ये ये भी हमारे वीकनेस का एक कारण है तो इतिहास से वो भी हमें सबक सीखने हैं कि ऐसा हमने करके अपना जो है देश गवाया अपना सा, सारा ऑनर डिग्निटी धन दौलत सब गवा दिया तो दैट शुड गिव अस अ लेसन फॉर द फ्यूचर कि इस तरह की मूर्खता के की, की काम हम ना करें इसमें एक जो कहानी है वो एक ऐसी भी है कि जहाँ पे मंदिर जो दोनों राजा हिंदू होते हैं लेकिन मंदिर भी तोड़ा जाता है ललितादित्य के वक्त में ही होता है जब उन्होंने बंगाल के गौड वंश के राजा को एक परिहास के शव मूर्ति के सामने प्रतिज्ञा लेके उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा ललितादित्य ने लिया था पर बाद में कोई वो उनसे भिन्नाभिप्राय रखते थे तो उनका उनको मार डाला था तो उसका प्रतिशोध लेने के लिए बंगाल के लोग कुछ लोग आए और उनको ये धैर्य नहीं था कि राजा पे हमला करें उन्होंने सोचा जिस देवता के सामने उस राजा ने प्रतिज्ञा ली उस देवता को नष्ट कर देंगे तो वो उन्होंने सोचा कि वो परिहास केशव मंदिर में जाके उसको तोड़ तोड़ दें पर वो गलती से एक रामस्वामी मंदिर है कश्मीर में तो वहाँ जाके श्रद्धालु के रूप में जाते हैं और फिर वो मंदिर के फाटक बंद करके वो जाके पूरी तरह से वो मूर्ति को तोड़ देते हैं और उसको सब जगह फेंक फेंक देते हैं बाद में पकड़े जाते हैं और मारे जाते हैं पर ये शायद एक इकलौता एक उदाहरण है कि हिंदू राजाओं के बीच में भी और ये शायद एक आइसोलेटेड इंसिडेंट था कि hmm. कुछ लोग और इट वाज नॉट सेंक्शन बाय द रूलर ये कुछ लोग अपनी राजा के आ, की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए वो आके ऐसी एक मूर्खता पूर्ण एक आ, ये कर लेते हैं पर इट इज़ नॉट द नॉर्म हमेशा कि द नॉर्म वॉज दैट कि आप उनकी आ, की मूर्ति वहाँ से ले जाओ अपने कैपिटल में और वहाँ उसको उससे भी बड़ा एक भव्य मंदिर उसके लिए आप बना दो ये भव्य मंदिर वाला तो बिल्कुल इसमें ऐसा है कि जब मैं पहले दो चैप्टर्स पढ़ रहा था तो उसमें ये लगा कि देखो ये मारतंड जो टेंपल है वो उन्होंने ललितादित्य ने बनवाया इतना भव्य उसके बाद फिर चोलास के ऊपर आते हैं तो ब्रदेश्वर बनाते हैं और सारे श्रीलंका में हो कहीं और वो जहां-जहां 몰디व्स जहां भी जाते हैं वहां कॉलोनाइज नहीं करते उनको हां ये थोड़ा बताइए क्योंकि जब भी हम आते हैं एक काउंटररियन जो बात कर रहे थे ना कि एक व्यू पॉइंट रखने का एक चुल होती है <laughs> कि ये कुछ ये अब मेजॉरिटी व्यू पॉइंट हो गया मेरे को थोड़ा कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल बोलना है तो इसमें एक ये <laughs> हम बात हेडलाइंस जाते हैं <laughs> तो इसमें ये बात आती है कि हम जब भी कहते हैं कि नहीं हम तो कभी कॉलोनाइज़ नहीं किया तो लोग कहते हैं नहीं नहीं अच्छा तो फिर चोलस श्रीलंका और मालदीव uh, और यहाँ तक कैसे पहुँच गए नहीं नहीं वो कॉलोनाइजिंग इंटेंशन uh, uh, से वो गए नहीं उसमें uh, बहुत साफ uh, इस किताब में वो वर्णन uh, किया है कि वो ट्रेड रीजन्स की वजह से स्पेशली जो श्री विजया पे अटैक हुआ वन जीरो टू फाइव सी ई में तो उसमें भी वही था कि उस वक्त वर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैरी टाइम फोर्सेज उनके साथ चाइना कॉम्पिटिशन uh, में थे चाइना के सॉन्ग डायनेस्टी और फिर इजिप्ट में जो फातिमी ऑफ इजिप्ट uh, तो सारे लोग जो साउथ ईस्ट एशिया जो इंडियन ओशन ट्रेड uh, जो है उसमें कंपटीशन कर रहे थे और श्री विजया किताब uh, लोगों को पढ़नी चाहिए कि किस तरह श्री विजया ने इसका श्री विजया आता है मले पेनसुलर में आज का जो मॉलिवज़ uh, वियतनाम उस uh, जावा वगैरह तो वहाँ किस तरह से उन्होंने इसका एडवांटेज वन अगेंस्ट द अदर चोड़ाज़ के बारे में uh, कुछ यू uh, नो you know, uh, चुगली की चाइना के uh, दरबार में तो ये सारी चीज़ें कर रहे थे तो उसका बदला लेने के लिए चोड़ाज़ ने बहुत प्लानिंग करके uh, चौदह उनके जो प्रमुख बंदरगाह थे उस पर अटैक किया वन जीरो टू फाइव और अब सोचिए इसमें मैंने उसका भी उल्लेख किया है कि किस तरह से एक ऐसे ज़माने में जब आज जैसे कॉम्पस और नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे तो सिर्फ एस्ट्रोनॉमी और ज्योतिष और इन सब चीज़ों को रख के कौन से महीने में वो शुरू होना है वहाँ से और फिर कौन सा नक्षत्र जब आएगा कब वो दंड विंड, विंड करेंट किस तरह होगा कि वो आ, ठीक उसी श्री विजया के पोर्ट तक आपका जहाज़ जा सकता है ये सारी चीज़ें उन्होंने अपना साइंटिफिक टेक्नोलॉजी डेवलप किया था जाके अटैक करने का और अटैक करके उन, उनको परास्त किया पर वहाँ अपना कॉलोनी नहीं बनाया uh, उल्टा वहाँ से अग्रीमेंट्स ये किए कि तमिल जो मर्चेंट्स हैं उनको वहाँ फ्री ट्रेड के लिए uh, जो जो पासिस चाहिए वो सब उनको दिला दिए तो इसीलिए वहाँ जो इन्फ्लुएंस भारत का हुआ या हिंदू धर्म का हुआ वो एक कल्चरल इन्फ्लुएंस बना कि बहुत सारे लोग यहाँ से जाने लगे फॉर ट्रेड पर्पसेस तो वहाँ कुछ यहाँ से जो जो आ, धार्मिक रीतियाँ हैं या फिर वहाँ मंदिर बने या फिर आर्ट आर्किटेक्चर वहाँ आज भी रामायण जो हुआ हो, होता है साउथ ईस्ट एशिया में या बाली इंडोनेशिया में गरुड़ का जो आइकोनोग्राफी है या वहाँ के फैब्रिक्स हैं Uh, painting, तो ये सिर्फ एक तरीके कल्चुरल, कल्चुरल पावर सो, कैसे? Yes. तो श्रीलंका में भी वो अनुराधापुरा जो उनका कैपिटल है उसको ध्वस्त कर लेते हैं वहां जाके एक बड़ा सा एक शिव मंदिर जैसे बृहदेश्वर वो सेम स्ट्रक्चर का बड़ा गोपुर वाला एक मंदिर तो वहाँ बना देते हैं पर वहाँ के लोकल जो जो वंश है उसी का किसी आदमी को वहाँ बिठा के आ जाते हैं और ये नहीं कि अपना आदमी को वहाँ गवर्नर जैसे अरब अरब्स ने बनाया कि वहाँ से कोई आता था और यहाँ सिंध का गवर्नर बना पर हमने वो नहीं किया कि उन्हीं के किसी लोग व्यक्ति को वहाँ डाल दिया पर उसका डिसएडवांटेज ये हुआ कि कुछ साल बाद वहाँ बगावत हुई उसने फिर से अपना जो राज्य है उसको वापस लेने की भी कोशिश की पर आई थिंक हमारा वो इंटेंशन ही नहीं था भारत में कि हम जाके उसका कब्जा करें इस तरह वहाँ ट्रेड के लिए व्यापार के लिए और फिर सांस्कृतिक एक प्रचार प्रसार धार्मिक प्रसार के लिए उस नए एक लैंड को हम यूज़ करें वो ही द मेन मोटिव हमारा लगता है लेकिन ये एक फैक्टर सरप्राइजिंग है और किसी को शायद ये इस पर रिसर्च करके शायद बुक लिखना चाहिए कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है आज बेशक मुस, मुस्लिम है लेकिन फिर भी जैसे हम बाली की बात करें या हाँ वहाँ पे जो कल्चरल आइडेंटिटी है दैट इज वेरी सेपरेट एंड सिंबल्स हैं जो इंडियन मुस्लिम्स हैं एंड वो वहाँ का जो मुस्लिम है उसमें काफी अंतर है कल्चरली आई थिंक संजीव जी ने हाँ उस पर लिखा है बट लाइक वाई इट इज सो मतलब वट इज द देंटेलिटी वट इज मे बी दिस इज बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द लास्ट थ्री हंड्रेड ईयर्स क्योंकि यहाँ पे एक रूलर्स थे उसके बाद लॉस ऑफ पावर और वो सब है जी आ, एक फैक्टर हो सकता है बट एक चोला की ऊपर आखिरी बात ये करें तो वो गंगा में जब hmm. गंगा तक तट तक जाते हैं जीतते हैं वहां से पानी hmm. गंगा का लेके आते हैं वहां पे फिर चोलापुरम फिर एक, चोला एक नई कैपिटल बनाते हैं hmm. तो ये भी एक हिंदू कैसे वो क्यों वहाँ पे गंगा ही क्यों का पानी ही क्यों लेके आए वो वो भी एक है कि वो एक क्यों सेक्रेट सिंबल था उनके लिए आ, तो इससे साफ हो जाता है कि उनका धर्म क्या है आ, बिल्कुल आ, अच्छा इसमें एक इन सब कहानियों के अलावा एक कैसी कहानी जो आपको लगता था कि ये पंद्रह तो हो गई लेकिन शायद एक और इसको डाल सकते थे अरे बहुत सारे बहुत लेकिन इसी कालखंड में बहुत सारे अभी सोशल मीडिया पे भी जब से किताब के बारे में चर्चा से थोड़े ऐसे उदाहरण है तो मैं भूल ही गया इसको या, ये मुझे पता नहीं था अच्छा। कि एक उदाहरण है कोई किसी ने कहा कि लांगूला नरसिंह देवा जो उड़ीसा के आपने नाम सुना था इसका मैंने भी नहीं सुना था तो तेरहवीं शताब्दी का उड़ीसा का कोई महाराजा था जिन्होंने कोणारक का मंदिर बनाया और अपेरेंटली बाकी सारे जो इसमें भी आते हैं ये रिएक्टिव स्ट्रैटेजी है कोई आक्रांता आता है तो हम उस पर अटैक करते हैं उसको परास करते हैं ये प्रोएक्टिव अब तुर्कों पे उन्होंने बहुत सारे बैटल्स उन्होंने लड़े और उड़ीसा बंगाल इस पूरे क्षेत्र से उसको फ्लश आउट कर दिया था और जबकि तुर्क उसके इस पर तो तर्किश आर्मीज ने अटैक उनके राज्य पे किया ही नहीं था तो प्रोएक्टिव तरीके से किसी ने ये काम शायद फ्यू एग्जाम्पल्स ही होंगे ऐसे भारत में जो ऐसे किए होंगे तो जब किसी ने ये आउट किया तो मैंने really कि है यार, यार ये तो तीसरा ये होना चाहिए था कि आपने पहला बता सारे मुख्य मंदिर बनाने वाले ऐसे हाँ। महान आ, तो ब्रेव भारत के बाद बिल्डर्स ऑफ टेम्पल्स भी हो सकता है नहीं अभी सब लोग बोल रहे हैं की इसका एक सिक्वल आना चाहिए और मेरे पब्लिशर्स जो पिंगविन है वो भी बता रहे हैं कि

पता नहीं था कि उनका नाम भी जबकि उन्होंने 600 साल तक राज किया और असम को कितने एक, आ, मुगलों से आ, संरक्षित रखा उन्होंने पर हम जानते नहीं हैं फिर बाकी जो नागालैंड हो त्रिपुरा मणिपुर का तो इसमें उल्लेख है पर उसमें भी सिर्फ जिक्र है पामहेबा का और फिर राजर्षि श्री जय सिंह जिनके बारे में मैंने लिखा तो ऐसे वहाँ के बहुत और आ, वीर और नायक और राजा महाराजा होंगे आ, जो आज मुझे भी पता नहीं है उस पर संशोधन होना है और अगर उस भाग को भारत के मेन स्ट्रीम से एक इमोशनल इंटीग्रेशन करना है तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया अगर हम बोलते हैं तो उसमें नॉर्थ ईस्ट का अनिवार्य होना है नहीं तो आई थिंक देर इज़ नो पॉइंट कॉलिंग इट अ पार्ट ऑफ इंडिया इसलिए मैंने कहा कि ये जो इतिहास है ये पूरे भारत का इतिहास है इसमें इसमें मतलब जितना भारत को रिप्रेजेंटेशन मिला है जेंडर <laughs> रिप्रेजेंटेशन हाँ, हाँ। है कल्चरल हाँ। डिफरेंसेस uh, को देखते हुए सभी जगह से आपने जी। uh, लोगों को लिया है डिफरेंट एराज uh, से हाँ। uh, और हाँ। अर्यन जी सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही नहीं है क्योंकि दो तीन ऐसे भी नाम है चांद बीबी हो गई या फिर बेगम हजरत महल है बंदा सिंह बहादुर है तो ये धर्म के परे है वहाँ बेगम हज़रत महल ने उसके जो प्रोक्लेमेशंस आप देखते हैं तो हिंदू और मुस्लिम साथ में जुड़ के लड़ने का उन्होंने प्रोक्लेमेशंस दिए जबकि उनके ही समकालीन एक थे मौलवी अहमदुल्ला शाह जो चाहते थे कि ये जिहाद हो तो वो कॉन्सेप्ट भी हमको रखना है कि सिर्फ ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम ऐसा नहीं है चांद बीबी खुद इस्लामिक सल्तनत वो आदिलशाही इसमें थी पर डट के उन्होंने मुगलों का और अकबर का अकबर को खुद आना पड़ा दखन इन, इनको परास्त करने के लिए दो बार अपने बेटे को भेजा सब परास्त हो गए किस तरह से इन्होंने दो दो रियासतें संभाली खुद तो वो आती थी अहमदनगर से और का ससुराल बीजापुर था तो दोनों को किस तरह से उन्होंने संभाला और बाद में वो मारी जाती हैं और सिर्फ बंदा सिंह बहादुर उन्होंने तो महाराजा राज... रग... कहानी तो कितनी जबरदस्त है मतलब <laughs> ये सोच के ये लगता है कि डेस्टिनी क्या होती है ये उनकी कहानी बिल्कुल पढ़ के पता चलता है कि कहाँ से कहाँ वो व्यक्ति गया है और उसके बाद वहां से उठ के फिर से हाँ और पहला तो... शायद सिख सिख राज्य की स्थापना महाराजा रंजीत सिंह के 80 साल पहले उन्होंने वो बहुत कम समय तक चला छः सात महीने तक तब तक उन्होंने अपना खुद का एक कॉइन्स uh, हो खुद के जो फरमान हैं सब उन्होंने इशू uh, करना शुरू कर दिया था hmm. तो बंदा सिंह बहादुर और किस तरह से उन्होंने बलिदान दिया और सिखों का जो बलिदान है उनके सारे गुरुओं के बलिदान है और ख़ुद बंदा सिंह बहादुर को किस तरह से दिल्ली में uh, उन पर अत्याचार हो के उनके सामने उनका जो बेटा है उसका काट के उसका जो लिवर है उनको खाने के लिए बोला जाता है खुद बंदा सिंह का एक एक भाग बॉडी का भाग पहले नौ चीज़ हाँ सब ये इन सारा सारी चीजों का वर्णन उनके कोर्ट हिस्टोरियंस ही करते हैं मुगलों के तो वो सारी चीजें जब देखते हैं तो होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल आ, अभी जो आखिरी जो आने वाली पुस्तकें हैं आगे एक तो टीपू सुल्तान जी एक शिवाजी महाराज जी और उसके बाद आपका अभी प्लान नहीं है <laughs> तो अगर मैं सजेस्ट करूँ <laughs> तो शंकराचार्य पे आप अगर पुस्तक लिखें क्योंकि वो अगर देखा जाए तो उन पिछले बारह तेरह सौ सालों में का उनका जो इन्फ्लुएंस आज तक है भारत के गांव-गांव में वो अनपैरल्ट <laughs> <laughs> तो वो एक ऐसे चरित्र हैं जिसपे आप सोच सकते हैं एक सजेशन है आ, विक्रम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए फाइनली ये संपन्न हुआ हमारा <laughs> आ, काफी समय से कोशिश कर रहे थे जी थैंक यू सो मच और आप ऐसे ही लिखते रहिए और हमारे पास आ, समय देते रहिए हमसे बात करते रहिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद हरियन जी थैंक यू